हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहूँगा कि बिट लॉकर का आपको नॉलेज मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनेबल करना है वो बिट लॉकर को। तो कैसे करना है आपको बिट लॉकर इंस्टॉल सर्विस करने के बाद क्या वो दिखेगा ना, तो कैसे उसको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको gpid.mec में जाना है। मैं भी पहले बिट लॉकर में थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, क्योंकि बिट लॉकर सर्विस इंस्टॉलेशन के बाद मुझे भी इसमें दिक्कत आ रही थी कि कहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, क्यों ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं मेहनत के बाद मैंने इसको सॉल्यूशन देखा है। तो gpid.mec ओपन कीजिए, और बहुत ही बढ़िया है सॉल्यूशन, मैंने कहीं मेहनत के बाद इसको सॉल्यूशन ढूंढा है। तो gpid.mec ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, उसके बाद विंडोज़ कंपोनेंट में जाना है। उसके बाद बिट लॉकर करके एक ऑप्शन होगा, बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन करके, ओके, बिट लॉकर एंड ड्राइव इंक्रिप्शन, उसमें आपको ऑपरेशन सिस्टम में जाना है। उसके बाद रिक्वायर्ड एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप करके एक है, थर्ड नंबर का है, देख सकते हैं थर्ड नंबर का, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर दीजिए, ओके। उसके बाद इसको इनेबल कर देना है एंड देन अप्लाई, ओके कर देना ऑनली, ओके। इतना करने के बाद इसका सॉल्यूशन नहीं होता, व्हाई, क्योंकि सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ता है। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद इसका सॉल्यूशन होता है। सो आप लोग समझ में आ गया क्या करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, इनेबल करने के बाद आपको सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करना है। आफ्टर रिस्टार्ट ही इसका सॉल्यूशन होता है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको मैं बता दूं कि आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हार्डवेयर नेटवर्किंग, विंडोज सर्वर्स और लिनक्स सर्वर एंड एंटीवायरस के रिलेटेड या वायरस रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए, उस हिसाब से मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता रहूँ। और इस सॉल्यूशन को देने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का बटन आया, उसको टिक मार्क कर दीजिए, जिसके कारण आपको मैं कई सारे वीडियो दूसरे देता रहूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, मुझे कमेंट देते रहिए।